सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल वेयर टुडे आई विल डिलीवर ए लेक्चर ऑन हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी। क्यों हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी पर बात करना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि क्रिएटिविटी अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, बहुत सारे डायमेंशन को टच करता है और इसकी हिस्ट्री में ही इतनी बातें बताने के लायक हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले यही शुरू करते हैं कि कैसे ये शुरू हुई, कैसे आई, कब कब हमने इसके बारे में क्या क्या जाना, तब हम इसके कंसेप्शन, इसके क्या डायमेंशन हैं, कैसे ये इंटेलिजेंस से इसका क्या रिलेशनशिप है, न्यूरोलॉजी ऑफ क्रिएटिविटी, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसको कवर करने हैं। तो इस सब के लिए अलग अलग वीडियो बनाना होगा। पहले हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी, देन कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप कह सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, देन न्यूरोलॉजी ऑफ क्रिएटिविटी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एंड ऑल। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी में क्या जानने योग्य है। अगर हम एक क्विक जर्नी देखना चाहें क्रिएटिविटी की, तो हम पाते हैं कि विलियम डर्फ, अ स्कॉटिश राइटर, वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई इमेजिनेशन एज ए क्वालिटी ऑफ जीनियस। यानी कि इन्होंने ये पाया कि जो जीनियस होते हैं, जो जीनियस पीपल होते हैं, उनके पास इमेजिनेशन की एक खास पावर होती है जो कि स्पेशल होती है। यानी कि इमेजिनेशन अगर आप कर सकते हैं तो आप जीनियस बन सकते हैं, और इमेजिनेशन का क्रिएटिविटी से संबंध है, वी ऑल नो। देन 1927 में अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने ये टर्म दिया है, हमको ये शब्द दिया है क्रिएटिविटी, एंड इट बिकेम यूबिक्यूटस वर्ड इन साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर, है ना। आप जानते हैं कि साइंस में भी हम क्रिएटिविटी के इसका जिक्र करते हैं, आर्ट में भी, लिटरेचर में भी, तो ये सब में पढ़ाया जाने वाला, जाना समझा हुआ शब्द है, और इसका नामकरण अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने 1927 में किया। फिर अगर हम ये जानना चाहें कि कब इसकी शुरुआत हुई है, तो ये बहुत लेट है। 1950 के पहले तक आप इस पर बिल्कुल कोई रिसर्च नहीं पाएंगे, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं पाएंगे क्रिएटिविटी की। ये सिर्फ 1950 में जब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में जेपी गिलफर्ड साहब ने एड्रेस किया, तो उन्होंने क्रिएटिविटी का जिक्र किया और वहीं से ये टर्म पॉपुलराइज हुआ। यानी कि इट्स हिस्ट्री इज सो रीसेंट, वेरी शॉर्ट हिस्ट्री यू कैन से, जो कि उस टर्म में है जब आप क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी के अर्थ में पढ़ रहे हैं। देन जेपी गिलफर्ड एंड पॉल ई टॉरेंस सेट द फाउंडेशंस फॉर द साइंटिफिक फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी रिसर्च। यही दो लोग हुए हैं जिन्होंने इसकी साइंटिफिक स्टडी के बारे का फाउंडेशन तैयार किया है। टॉरेंस का टेस्ट पढ़ते हैं हम क्रिएटिविटी मेजर करने के लिए, गिलफर्ड साहब का डाइवर्जेंट थिंकिंग पे जो उन्होंने बात बताई, वहीं से क्रिएटिविटी का उद्भव हुआ कि जब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग की कैपेसिटी रखते हैं तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं। क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है? कि एक प्रॉब्लम के अगर हम डिफरेंट सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस ढूंढ सकें, नोवेल सॉल्यूशंस ढूंढ सकें, देन वन कैन बी क्रिएटिव। ओके, अब अगर हम जर्नी इसकी देखना चाहें सेंचुरी वाइज, अगर इसका इवोल्यूशन पढ़ना चाहें, तो 14th century से ये सारी बातें हो रही, क्योंकि हम मनुष्य में तो मतलब कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं ना, और उसके संग खास बात ये होनी चाहिए कि वो वर्दी होना चाहिए, वो यूजफुल होना चाहिए। तो ये काम तो शताब्दियों पहले से होता आ रहा है। तो प्लेटो ने इस तरीके की किसी की कृति देखी तो उसको क्रिएटिविटी का नाम ना देके डिवाइन मैडनेस का नाम दिया। ये कहा गया कि मनुष्य है, मनुष्य नहीं, ईश्वर जो है वही क्रिएटर हो सकता है, वही क्रिएट करता है, उसी ने पूरी दुनिया का क्रिएशन किया है। तो अगर आप हम कुछ क्रिएट ऐसा कर भी रहे हैं, तो वो उसका मतलब कि हमारे अंदर कुछ डिविनिटी का पोर्शन है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई है, जबकि इंसान को, ह्यूमन बीइंग को कहा ही नहीं गया कि वो क्रिएटिव हो सकते हैं। ओनली गॉड कैन बी क्रिएटिव, एंड इफ समवन इज क्रिएटिव देन इट मींस दैट ही और शी हैज डिवाइन मैडनेस इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके, देन 14th century में जब हम आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब थोड़ा सा हम ये प्रोग्रेसिव हुए, फ्लेक्सिबल हुए, लिबरल हुए। क्या कि डा विंसी कहते हैं कि स्टार्टेड क्रेडिटिंग देमसेल्फ्स ऑन देयर वर्क, यानी कि अगर आपने कुछ बनाया तो आप उस पर अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, यानी कि इसकी कृति, मैं इसका रचनाकार हूँ। फिर मतलब कि अब डिविनिटी से ये ह्यूमन बींग पर आ रहा है धीरे धीरे। फिर 17th century में क्या बात हो रही है कि क्रिएटिविटी इज नॉट एज मच अ डिवाइन थिंग एज थॉट बिफोर, समवन कुड बी क्रिएटिव नॉट एवरीवन। मतलब कि क्रिएटिविटी जो है वो ईश्वरीय गुण नहीं है, कोई भी क्रिएटिव हो सकता है, पर अभी भी कह रहे हैं कि नॉट एवरीवन। पर अब क्या बात होती है कि एवरीवन कैन बी क्रिएटिव इफ वी टॉट देम इन द सेम वे इन फॉर स्पेसिफिकली टू डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। अब हम यहाँ तक आ गए हैं। Then, अच्छा,
अगर हम ये जानना चाहें कि क्रिएटिविटी क्यों, क्योंकि देखिए साइंस से भी, आर्ट से भी, लिटरेचर से भी इसका ताल्लुक है, लेकिन हम चूंकि टीचर एजुकेटर, बीइंग एजुकेटर, बीइंग अ डिसाइपल ऑफ एजुकेशन, हम एजुकेशनल साइकोलॉजी से हमारा मतलब है, इसलिए हम इसको ये जानना चाह रहे हैं कि कौन से सब डिसिप्लिन साइकोलॉजी के, मतलब साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ेंगे, जो क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से हैं? साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव, पॉजिटिव, बिहेवियरिस्ट, डेवलपमेंटल, ह्यूमैनिस्टिक और जेस्टाल्ट। इतने सब डिसिप्लिन्स हैं साइकोलॉजी के जो क्रिएटिविटी की बात करते हैं। साइकोथेरेपिस्ट में, अब इसके बारे में जो, इसके बाद जो स्लाइड है उसमें पता चल जाएगा आपको कि साइकोथेरेपी में कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो बात कर रहा है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हम जानते हैं ना, जो कॉग्निशन की बात कर रही है। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो ये कहती है कि क्या कहती है पॉजिटिव साइकोलॉजी? अच्छा, हम नेक्स्ट वाले पे चले गए। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि हम ह्यूमन बीइंग्स को, मतलब वेल बीइंग, हैप्पीनेस, ये सारी बातें, कि पर्सनल डेवलपमेंट शुड बी गॉट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। देन बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो बताते हैं कि बिहेवियर ही सब कुछ है। देन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो ये बताते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के लिए ह्यूमन बीइंग्स का ही मेन इम्फेसिस है, वही मुख्य है, सारा केंद्र बिंदु वही है। और जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि हर चीज हमको टोटैलिटी में पढ़ना है। सम इज, मतलब होल जो है वो मोर देन समेशन ऑफ इट्स पार्ट, है ना, यानी कि हमको टोटैलिटी में, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना, समझना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड आपको क्या बता रही है कि साइकोथेरेपी में फ्रायड या जंग, कॉग्निटिव में नीजर, पॉजिटिव साइकोलॉजी में सेलिगमैन जो बाद में फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहलाए, बिहेवियरिस्ट में स्किनर। देखिए बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट अगर किसी का बहुत ज्यादा नाम है तो वो स्किनर साहब का ही है। वो भी क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि जो बिहेवियरिस्ट हैं वो कॉग्निशन के बारे में बात नहीं करते। और क्रिएटिविटी क्या है? वो तो कॉग्निशन से रिलेटेड है ना, क्योंकि थिंकिंग से रिलेटेड है। देन डार्विन जो कि एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, पर इनका जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे काम है, मतलब माइंड ब्लोइंग, उसको हर डिसिप्लिन में पढ़ा पढ़ाया जाता है। देन रोजर्स जो कि ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, और वर्दाइमर जो कि जस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। इतने सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं 1950 और मतलब 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। देखिए सिगमंड फ्रायड से शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रायड जो कि साइको एनालिटिक के जन्मदाता हैं, जिनके इड ईगो और सुपर ईगो की थेरी कितनी जगह पढ़ी पढ़ाई जाती है। देखिए पर्सनैलिटी में पढ़ते हैं हम लोग उसको, मोरालिटी में हम लोग पढ़ते हैं, और अब देखिए क्रिएटिविटी में भी आ गई। इन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी रिजल्ट हो सकती है, कैन बी रिजल्टेड फ्रॉम द टेंशन बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो। वो कह रहे हैं अगर ईगो और सुपर ईगो के बीच में टेंशन की स्थिति होती तो, क्योंकि हम कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढेंगे ना उसके, क्रिएटिविटी का जिक्र थोड़ा सा यहाँ पर मिलता है। फिर डार्विन, डार्विन आप जानते हैं, डार्विन साहब की किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ मनुष्य का। तो वो बताते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। जो फिट होने की प्रक्रिया में जो हम सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, जो हमारे कदम होंगे, जो हमारे एफर्ट्स होंगे, वो जितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे हम उतने ज्यादा फिट इन हो पाएंगे अपने आने वाली विषम परिस्थितियों में। इसलिए डार्विन के पास भी हमको क्रिएटिविटी का जिक्र मिलता है। डार्विन इज ऑल्सो क्रेडिटेड प्रोवाइडिंग द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिएटिविटी बाई एक्सप्लोरिंग इट इन ए नेचुरल कंटेक्स्ट। ओके, क्योंकि वो नेचर की बात कर रहे हैं। देन बीएफ स्किनर, इनका एक फिक्शन पीस भी आया है वॉल्डन 2 के नाम से 1948 में, जहां पर ये एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं और कहते हैं कि वो जो बेस्ड है सोसाइटी वो कंडीशनड बिहेवियर पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनिंग की तो बात करेंगे ही, ये बात करेंगे आपके किसकी, रीइन्फोर्समेंट की बात करेंगे, क्योंकि इसी थेरी के ये जानने वाले, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले हैं। लेकिन एंड वन ऑफ दोज बिहेवियर्स इज क्रिएटिविटी, यानी कि कंडीशनड बिहेवियर में भी ये क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं कि अगर आप क्रिएटिवली आप रिएक्ट करेंगे तो रीइन्फोर्समेंट बढ़िया मिलेगा आपको। बी एफ स्किनर साहब से भी हमको क्रिएटिविटी का इनपुट मिल रहा है। देन सेलिगमैन जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में जिन्होंने बात की है, वो भी कह रहे हैं कि स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी इन साइकोलॉजी। वो कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी को साइकोलॉजी में इंक्लूड करना ही करना है हमको पढ़ने पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि इट हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रिएटिविटी इन पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा इनपुट है। देन जेस्टाल्ट, देखिए जेस्टाल्ट कहते क्या है, जेस्टाल्ट क्या कहते हैं कि हमको परसीव करना है, परसेप्शन पे बेस्ड है इनकी पूरी थ्योरी। इंट्यूशन, इंट्यूशन वो मतलब कि ट्रायल एंड एरर से नहीं चलेंगे, बल्कि कुछ इनोवेटिव इंट्यूशन, इंट्यूटिव थॉट हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो इंट्यूशन तो है ही मोर और लेस क्रिएटिव, है ना, कि हम कुछ अलग सोच लें, कुछ यूनिक सोच लें, कुछ नॉवेल सोच लें, कुछ अडेप्टिव सोच लें। तो जेस्टाल्ट तो पूरा पूरा लगभग क्रिएटिविटी की तरफ अपना नोशन उनका है।
देन मैस्लो, सब लोग बहुत सारे डिसिप्लिन्स में मैस्लो की थेरी पढ़ी पढ़ाई जाती है, और उसमें हम सबको पता है कि जो 5 स्टेजेस की इनकी थेरी है, जो उच्चतम स्तर है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है। लेकिन अब हम उसको इतना या वहां पे ये जिक्र नहीं करते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो उन्होंने कॉम्पोनेंट्स रखे हैं उसमें से क्रिएटिविटी भी एक कॉम्पोनेंट है। कह रहे हैं कि क्रिएटिवनेस टू बी अ स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि अगर आप उच्चतम स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्रिएटिव होना होगा, या क्रिएटिविटी अगर आप में है तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इजीली अचीव कर सकते हैं। फिर कार्ल रोजर्स भी ह्यूमनिस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, इन्होंने FFP का कंसेप्ट दिया है, जो हु इज स्पेसिफिकली क्रिएटिव, यानी कि वो कैसा बंदा होगा, वो कैसा इंसान होगा जो कि क्रिएटिव होगा। देन नीजर के, वैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हम पढ़ते हैं तो हम क्रिएटिविटी का जिक्र वहां नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नीजर ने बताया है कि वेरी आइडिया ऑफ क्रिएटिविटी लाइज इन ह्यूमन माइंड, इट हैज बीन अ की कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निटिव स्टडीज। क्यों? क्योंकि सारा कुछ कहाँ चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, कॉग्निशन में चल रहा है, ब्रेन में चल रहा है, थिंकिंग एंड एंड ऑल। तो नीजर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने की क्रिएटिविटी के कंसेप्ट के बारे में जिक्र किया है। तो हम इसको, आई थिंक लास्ट स्लाइड, हाँ, हम इसको कैसे समराइज कर सकते हैं, समराइज हम इस वे में कर सकते हैं कि जेपी गिलफर्ड साहब ने जब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में एड्रेस किया, तब क्रिएटिविटी ने अपनी पॉपुलैरिटी को गेन किया उन्होंने, और टॉरेंस ने इसको एक साइंटिफिक स्टडी के रूप में स्थापित किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोग इसकी बात नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग इसकी बात कर रहे थे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वहां वहां से इनपुट जितना मुझे मिला वो मैंने आपके सामने संग शेयर किया है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से क्रिएटिविटी आई है, और 1950 के पहले क्रिएटिविटी पर बहुत कम इस तरीके का स्पेसिफिक काम है। अगर किसी तथ्य को पे जाएं तो 0.4% रिसर्चर्स थी 1950 के पहले जो क्रिएटिविटी को डील कर रही थी, और अब तो बहुत काम हो रहा है क्रिएटिविटी पे, है ना। और जब हम गिलफर्ड साहब की बात करते हैं तो हमको डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि हमको एक प्रॉब्लम के यूनिक सोल्यूशन ढूंढने होते हैं, और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि कई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, किसी भी प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है। वो जितने भी इंटेलिजेंस टेस्टिंग के असेसमेंट टूल हैं वो ज्यादातर कन्वर्जेंट थिंकिंग पे बेस्ड है कि हमको एक सही सटीक आंसर बताना है। लेकिन उसके उल्टा, उसके ऑपोजिट जो असेस करता है किसको, क्रिएटिविटी को, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को असेस करता है। और इसीलिए जो क्रिएटिविटी का मेजरमेंट मुश्किल है, इसीलिए क्रिएटिविटी को डिफाइन करना मुश्किल है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि एक कन्वर्जेंट थिंकिंग को डील कर रहा है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग को डील कर रहा है। जबकि कई बार हम इसको मिथ में ये मान लेते हैं कि जो क्रिएटिव होगा वो इंटेलिजेंट भी होगा, या जो इंटेलिजेंट होगा वो क्रिएटिव भी होगा। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ओके, तो मैंने सिर्फ शुरू किया है क्रिएटिविटी को भी, और कोशिश करूंगी कि मैं सारे टॉपिक्स कवर कर दूं धीरे धीरे, जिसमें कि क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, देन इसका असेसमेंट, देन एक न्यूरोलॉजी ऑफ क्रिएटिविटी भी बताना चाह रही थी, पर मुझे लगा कि लंबा हो जाएगा या अलग अलग रखें तो बेहतर है। क्या होगा न्यूरोलॉजी ऑफ क्रिएटिविटी में, कि ब्रेन का कौन सा पोर्शन है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को डील करता है, या कौन से वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जिससे आप बेहतर क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड, I have covered a small unit of creativity, that is history of creativity, and I hope that you people have enjoyed it. So thank you all, and it is all from my side.